सीएम धामी ने कहा कि जोश है, लोगों के अंदर उत्साह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। ये देखिए, ये काफिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन से पहले रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम धामी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सीएम योगी, राजनाथ सिंह हाथों में पोस्टर्स लिए हुए, बीजेपी का झंडा लिए हुए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, जातीय समीकरण किस तरह का है वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो राजपूत वोटर्स हैं उनकी जो संख्या है 18% के करीब है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 18% के करीब है। एसटी वोटर हालांकि यहाँ पर लखनऊ में अगर देखा जाए तो काफी कम है, 0.2% है। और एससी वोटर्स की बात की जाए तो एससी वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है। भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे हैं रोड शो में, तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के इस रोड शो में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में हैं और आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर। देखिए, ये जो रोड शो फिलहाल चल रहा है, हालांकि यहाँ से जो यातायात व्यवस्था है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। करीब करीब 12 बजे का वक्त है जब कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुलूस की शक्ल में, और उसके बाद वो यहाँ नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यही वजह है कि 2 बजे तक के लिए जो यातायात व्यवस्था है लखनऊ में उसको भी बदल दिया गया है। कई सारे डायवर्जन किए गए हैं, चारबाग से आने वाली रोडवेज और प्राइवेट बसें केकेसी से होकर कंटेनमेंट के रास्ते जा रही हैं। बापू चौराहे की बात की जाए तो वहां से जो वाहन है हजरतगंज की ओर नहीं जा पा रहे हैं, ये वाहन लालबाग या सिसिंडी तिराहे के रास्ते से होकर निकल रहे हैं। तो इस तरह से कुछ रूट का डायवर्जन भी किया गया है, पार्किंग की व्यवस्था को बदला गया है। तीसरी बार चुनावी मैदान में है लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मीडिया की गाड़ी आगे बढ़ाइए, आगे वाले रथ को तेजी से आगे बढ़ाएं, सबसे पहले नंबर पे जो रथ है उसको तेजी से आगे बढ़ाएं।